तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आर्म में, और लेके आ गया हूँ रोज की तरह मैं आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज। और आज की टेक न्यूज काफी गर्मा गर्म होने वाली है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर पबजी की तरफ से, और पबजी मोबाइल अपनी पबजी जो गेम है उसमें एक नया मोड ऐड करने वाले हैं जिसका नाम उन्होंने कोल्ड मोड रखा हुआ है, और ये 16 तारीख को लॉन्च होने वाला है। और कंपनी ने इसकी कुछ पोस्टर भी रिलीज किए हैं, जैसा सोशल मीडिया में शेयर किया है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं इस टाइप का कुछ पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया है। और कंपनी इस पोस्टर के द्वारा कहना चाहती है कि इसमें आपको ठंडा में सर्वाइव करके जिंदा रहना है। तो कंपनी का मेन मोटो, मतलब इस मोड का जो मेन मोटो यही है कि आपको ठंडा में सर्वाइव करके जिंदा रहना है। तो जो भी पबजी यूज़र पबजी गेम खेलते हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो 16 तारीख को अपने पबजी ऐप पे ये नया मोड चेक कर सकते हैं। तो गाइस दूसरे खबर की बात करें तो दूसरे खबर रियलमी की तरफ से, और चाइनीज़ के एक वेबसाइट है वीवो, उस पर रियलमी के दो डिवाइस का मॉडल नंबर लिस्ट हो चुका है। और पहला जो मॉडल नंबर है वो RMX 2086 है, जो रियलमी X3 बताया जा रहा है, और RMX 2142 जिसको रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन बताया जा रहा है। तो ये दोनों ही मोबाइल आपको रियलमी X3 सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लीक्स आ रही है। और 3C सर्टिफिकेशन की बात करें तो उनका कहना है कि जो रियलमी के अपकमिंग डिवाइस है उनमें 5G का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो साफ सीधा ये इशारा करिए रियलमी X3 सीरीज की तरफ भी। और उनका ये भी कहना है कि जो अपकमिंग रियलमी के डिवाइस है उन पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, यानी कि 865 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में अभी तक इतनी फिलहाल जानकारी है, और डिटेल्स और कुछ जानकारी और रूमर्स मिलेंगे तो मैं आपको बस। तीसरे खबर की बात करें तो तीसरा खबर आइको नियो 3 5G की तरफ से है, और कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। जैसा आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे ये वो गेम है, इस गेम के माध्यम से कंपनी ने बताया है कि 23 अप्रैल को कंपनी ये फ़ोन लॉन्च करने वाली है। और कंपनी ने एक और पोस्टर रिलीज किया है, उस पर कंपनी बताना चाह रही है कि ये जो स्नैपड्रैगन, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 144Hz रिफ्रेश रेट, और UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी तक इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं निकली है, इतना ही है। और कंपनी ने ये भी अनाउंस नहीं किया है कि इसमें जो 144Hz रिफ्रेश रेट है वो कौन सा होने वाला है, ओरिजिनल डिस्प्ले में दिया जाएगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो दिया जाता है 90Hz 60Hz 120Hz उस टाइप का कुछ दिया जाने वाला है, ये अभी कोई कन्फर्म नहीं है। बट जैसे इसके बारे में और कुछ डिटेल निकलेगी मैं आपको बता दूं। चौथा खबर की बात कर, चौथा खबर ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो अपना ओप्पो H2 जो स्मार्टफोन था उसे मंडे को चीन में लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी स्पेसिफिकेशन भी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे 6.5 इंच का फुल HD प्लस अमोल्ड डिस्प्ले होने वाला है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा UFS 3.0 के सपोर्ट के साथ, और रियर में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइमरी जो कैमरा वो 48MP का है, और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। 65W का आपको इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा वो 2.0 के सपोर्ट के साथ, और 40W का आपको इसमें एयरवुक चार्ज देखने को मिलेगा। 4000mAh की बैटरी होने वाली है, और कंपनी ने इसे 8GB और 12GB वेरिएंट में लॉन्च किया है। जो 8GB वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 499 yuan यानी कि 46,000 के करीब रखी है, और 12GB रैम जिसकी प्राइस कंपनी ने 5599 yuan यानी कि 50,000 के करीब रखी है। तो ये फ़ोन अगर इंडिया में लॉन्च हुआ तो आप इसे परचेज करेंगे कि नहीं हमें कमेंट करके। तो अगर पांचवें खबर की बात करें तो पांचवें खबर आईफोन 12 की तरफ से, और ट्विटर के एक लिस्टर हैं जेफ यू ने ट्वीट किया है कि आईफोन 12 जो स्मार्टफोन है वो सितंबर में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि आईफोन 12 का जो 5.4 इंच वाला वेरिएंट था और 6.1 इंच वाला जो वेरिएंट था उसकी EVT टेस्ट को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, और आईफोन 12 का जो 6.7 इंच वाला जो वेरिएंट था उसकी EVT टेस्ट को मई तक बढ़ा दिया गया है। और अभी कोरोना वायरस के चलते जो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, कंपनी को बहुत सारी मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो आईफोन 12 का जो सीरीज स्मार्टफोन होने वाला है, आईफोन 12 सीरीज का जो भी स्मार्टफोन होने वाला है वो आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है, और कंपनी इसे सितंबर में लॉन्च कर सकती है। तो इसके बारे में जैसे ही और कुछ डिटेल निकलेगी, अभी तो मेरे पास इतनी ही डिटेल है, तो जैसे ही और कुछ डिटेल निकलेगी तो मैं आपको फटाफट बता दूंगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं।